2009 है, इस घर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में बड़ा फर्क आ चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, घर का खर्चा कैसे चलाऊं। अब मेरी सिलाई से तो घर का खर्चा नहीं चल सकता ना। तुम्हें मालूम है कि आज क्या दिन है? आज तो अब्बा के रिटायरमेंट का दिन है ना। और आज के बाद तनख्वाह नहीं आएगी, सिर्फ पेंशन आएगी, और वो भी मालूम नहीं कब। सारी जिंदगी अब्बा की तरह मामूली तनख्वाह में अपना दिमाग निचोड़ती रहता हूँ। भाई ये मीडिया का जमाना है, कुछ और सोचो। मैं अब तुम्हारी स्टेपनी बनकर नहीं खेल सकती, मेरी अपनी भी कोई हैसियत है। ऐसे चौकीदारों की तरह तुम्हारे पीछे तुम्हें लाती लाती फिरती रही। अगर अब्बा मुझे बाहर अकेले नहीं जाने देते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यही तो प्रॉब्लम है हम मिडिल क्लास लोगों की, समझते हैं कि 25 साल की लड़की के साथ एक 10 साल का भाई भेज दो तो उसकी इज्जत महफूज है। शाम के पेचोखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कहती किसी ने प्यार की बात। आज तो हमने पूरा चांद देख ही लिया। वो खत पढ़ रही थी मैं। वैसे एक बात तो तय हो गई आज, पर्दा इंसान की हिफाजत नहीं करता बल्कि इंसान खुद अपनी हिफाजत करता है। बोल मेरी मछली कितना पानी। अरे आखिर हुआ क्या है, अब्बा इतने डिस्टर्ब क्यों है? बोल मेरी मछली। आप जानना चाहते हैं ना हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? तो चले ना हमारे साथ, देख लेंगे कि हम सिर्फ एक दूसरे को पहरा देते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसी जगह जाती क्यों हो जहां पहरा देना पड़े? आपने तो हमें बुर्कों में बांध के रखा, जमाने में बाहर निकलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कबूल किया और मैंने तुम्हें कबूल किया, अल्लाह तो गवाह है ना, इसमें फिक्र की क्या बात है। मैं पहले भी तुम्हारे खूबसूरत जुमलों से घायल हुई थी और अब फिर तुम उन जुमलों की शादी का फायदा उठाना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि इस बच्ची को तुम अपने पास रखो, मगर मैं चाहती हूँ कि इसे बताओ कि तुम इसके बाप। ये क्या है? ये तो तुम्हें दिखानी थी। हीरो बन गए हो? मतलब इश्तहारी हो गए हो? अरे नहीं यार, सुनो मेरा फोटो सेशन है। रियली सर? चलो मैं कब से वेट कर रही हूँ। 2 मिनट। हाय हनी, मेरा नाम नौरीन है। एक्चुअली मेरे लिए तो सब हनी है, तुम मुझे एक मौका दो ना। किस बात का? अरे जानी तुम्हारी फोटोग्राफ्स उतारूंगा, अपने आप को खुद नहीं पहचान पाओगी। तुम्हारी बहन ने मेरी 40 साल रियाजत पर पानी फेर दिया है, मेरी शराफत को एक लंबी कार के पहियों के नीचे कुचल के रख दिया है। मैं किसी के लिए हिम्मत या ताना नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं इस घर से जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ रह सकते हैं, मैंने अपना अपार्टमेंट ले लिया। तितली के रंग जो बिखर गए तो कोई नहीं जोड़े, जाने किसकी आस लगा के पंछी घर छोड़े। बंद करी जो खुल जाए तो फीकी सी खुशबू, एक ही पल में सारे रिश्ते पीठ से क्यों तोड़े। देखो इस किस्म की खबरें हो तो हमें किस किस्म की पार्टीज पे जाना चाहिए? हाई प्रोफाइल पार्टीज। हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब वहाँ जाए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अनाउंस नहीं किया गया।
तो इसका मतलब है आपके ब्रांड एम्बेसडर की तस्वीरें भी सबके साथ। नूरी मर चुकी है, आप ही ये कोई और है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो भाग गई थी ना मेहरोज के साथ, जरा सी आंख लगी थी पर में सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं बचा, मैं ही बच गई थी, मुझे भी फरेब खा गया। मैं उससे डिवोर्स, जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता आप उससे डिवोर्स नहीं ले सकते। तभी तो कह रही हूँ नहीं चाहिए ये बच्चा। इस दिन से डरता था मैं, हद क्रॉस कर ली लड़कियों ने। समझने की कोशिश करो, महरोज अस्फहानी किसी मॉडल को नहीं छोड़ता। जो एक बार उसके दायरे में गया बस गया। साहब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। गुल हुई जाती है अफसरदा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्मे महताब सिरा, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। आज फिर हुस्न दिलारा की वही धज होगी। माय गॉड, तुम्हारी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट नाइट, तुम्हारी वेडिंग नाइट, और तुम अपनी दुल्हन के पास नहीं मेरे साथ हो। हाउ एक्साइटिंग, कितनी मजेदार सिचुएशन है ये, आई एम लविंग इट। सारी जिंदगी जो सबक पढ़ा है वो एक दिन में भुला दिए गए। बोल 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 मेरी मछली, कितना पानी। बोल मेरी मछली।